दिल्ली भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता की। मौके पर सीनियर लीडर प्रवीण शंकर का पूर्व मेयर राजा इकबाल सिंह ने पत्रकारों को संबोधित किया और दिल्ली एमसीडी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि एमसीडी स्कूलों में बच्चों को जो वर्दी के जो पैसे 1100 रुपये मिलते थे उसे घटाकर मात्र 600 रुपये कर दिया गया है और वह भी जातिवाद देखकर किए जा रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता को धोखा दे रही है। जैसे कि सारी बात हमारी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर प्रवीण शंकर कपूर जी ने रखी, जो ये शंकर कपूर जी कह रहे थे, प्रवीण जी कह रहे थे, इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि सबसे हमने पहले ये देखना है कि जो केजरीवाल जी की झूठी सरकार है, जो झूठी बातें करती है, लोगों को ये कहती है जी हम बहुत बड़ी क्रांतिकारी ला रहे हैं, तो ये फिर कमी क्या आ रही है? इनके पास फंड भी आ रहे हैं, दिल्ली सरकार के पास पैसा भी है, डबल इंजन सरकार भी चल रही है, दिल्ली सरकार से पैसा भी आ रहा है, ये कहने के हमारी बहुत। मेरी पहली मुलाकात आप लोगों से, अभी प्रवीण शंकर कपूर जी ने बहुत कुछ आपको बताया स्कूलों के बारे में, राजा इकबाल जी ने, मैं नगर निगम में शिक्षक रहा हूँ, प्रिंसिपल रहा हूँ, तो जो कार्य हमारे कार्यकाल में हुए उसके बाद इस प्रकार का वातावरण बनाया जा रहा है। मैं आपको विजिट भी करा सकता हूँ कि एक भी स्कूल 7 महीने में शुरू नहीं हुआ बनना। 1535 स्कूलों में से जितने स्कूल बिल्डिंग बनी है वो तो भाजपा के कार्यकाल में बनी है, एक जगह भी काम शुरू नहीं हो पाया है। लेकिन जिस प्रकार का वातावरण आतिशी जी स्कूलों में जाती है, अध्यापकों को डराया धमकाया जाता है कि पिछले वर्ष तक दो जैसे कि सारी बात हमारी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर प्रवीण शंकर कपूर जी ने रखी, जो ये